सुबह के 9 बजे हैं और 9 बजे अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और देखो माधव का मुंह कैसे बन रहा है। और माधव को ना कल रात को एक मधुमक्खी ने काटा था, तो वो ना मतलब वैसे खेल नहीं पा रहा है, लेकिन हम उसको बाहर लेके जा रहे हैं जिससे कि उसका मन लगा रहे। और बहुत बड़ा सा मधुमक्खी ने काटा था। वैसे रात को तो परेशान उसने किया नहीं, लेकिन ना फिर वो सुबह के 4 बजे से उसका परेशान करना स्टार्ट हुआ। और मैं सारी मतलब 4 बजे से 7-8 बजे तक तो मैं सोई नहीं। एक तो मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, और मतलब उसको मेरे को ना गोद में लेके ही सुलाना पड़ा। उसके पापा तो सो जाते हैं, लेकिन मेरे को गोद में लेके सोना पड़ा था पूरा 3-4 घंटा। और फिर हम लोग अभी चल पड़े हैं नैनीताल की ओर, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ना ये मानसून वाला देखना था। मैं बहुत सारे ब्लॉग में कहती हूँ ना कि मानसून में हम नहीं जाते, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया कि हम लोग मानसून में ही गए। क्योंकि कल मेरे हस्बैंड गए थे हल्द्वानी, और वहाँ पे जब गए थे तो फिर वहाँ से बोला था कि चलो भाई नैनीताल घूम के आते। तो वो और शिवा गए थे दोनों नैनीताल, थोड़ा सा ही दूर। तो फिर मैंने कहा कि तुम जब गए हो तो मुझे भी लेके चलते। तो फिर कहा कि हम नेक्स्ट डे जो होगा ना फिर उस दिन हम चलेंगे। तो आज वही नेक्स्ट डे है, और अभी हम लोग ना नैनीताल वाले रोड में है। और देखो मेरे को प्यारा सा फूल मिला था। मैं तो सोची थी घर लेके जाऊंगी उसका एक टहनी, बट मुझे मिला। हमने सोचा था कि हम जाते टाइम लेंगे, तो वो जाते टाइम हमें कहीं दिखा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो जगह फिर हम छोड़ के आ गए। और ये जो जगह है ना, बाप रे, ये हम लोग एकदम बादलों के बीच में थे, कुछ दिख नहीं रहा था। ये तो कैमरा जो है साफ कर दे रही थी, लेकिन हम आँखों से पूरा अंधेरा था, बहुत डर लग रहा था मुझे। तो मेरी जो एकदम अजीब सा हालत हो रखा था, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा। और ये मैंने अपने लाइफ में पहली बार हम बादलों के बीच में थे, सीरियसली ये जो अद्भुत नज़ारा है ना मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। माधव सो गया है, और मैं माधव के लिए एक छोटा सा तकिया लेके आई थी, तो उसमें वो सोया है। मेरे को भी थोड़ा तकलीफ कम हो रही है उस तकिए की वजह से। और ना मैं माधव को लेके सामने बैठ गई। पीछे क्या होता है ना कि पीछे बैठने से माधव को ना उल्टी आएगी, मुझे तो नहीं आती है लेकिन माधव को आती है, तो इस वजह से मैं सामने बैठ गई। सामने फिर माधव भी थोड़ा फ्री टेंशन में, मैं भी हूँ। वैसे तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेके आई हूँ अपने लिए, क्योंकि बाई चांस कुछ भी हो सकता है।